साथियों, इस पत्रकार वार्ता की शुरुआत में तीन वाक्यों से करूंगा जो इस तीन चरण के चुनाव का सार है। पहला, महागठबंधन की जीत की खुशबू ने उड़ाए भाजपा और जदयू के तोते। दूसरा, नीतीश बाबू की निराशा और महागठबंधन की आशा है एक बड़े बदलाव का सूचक। और तीसरा, टायर्ड और रिटायर्ड नीतीश सरकार ने अब रिटायरमेंट की स्वीकार, अब आगे बढ़ेगा बिहार। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ साथ महागठबंधन के चुनाव की सोंधी खुशबू आ रही है। इस खुशबू में उम्मीदें हैं युवाओं के रोजगार की, किसान की कर्ज माफी की, फसलों के दाम की, अपराध पर लगाम की, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की, नए उद्योग और धंधों की, प्रवासी मजदूरों के लिए आशा की एक नई किरण की। साथियों, इतिहास साक्षी है कि बिहार ने हमेशा देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। बिहार का यह चुनाव भी प्रदेश और देश में भविष्य की राजनीति को बदलने वाला है। बिहार ने फिर उद्घोष किया है, प्रदेश और देश से जाति और धर्म के विभाजन को तोड़कर विभाजन और बंटवारे वाली पार्टियों के दामन को छोड़कर विकास, तरक्की, रोजगार, रोटी को दलों और चुनाव की का मुख्य मुद्दा बना दिया। सरकार चुनने और बदलने का मुख्य मुद्दा बना दिया। नफरत और बंटवारे की 6 साल से मार झेलते हिंदुस्तान के लिए यह एक नया सबक है कि डर, भय, विभाजन, बंटवारा उसकी राजनीति नहीं चलेगी। हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, ये राजनीति का अंत हो गया। 6 साल चल चुकी, अब विकास, तरक्की, रोटी, रोजगार, फसल के दाम, उद्योग धंधे, इसकी राजनीति चलेगी। भाजपा और जदयू ने इस चुनाव को बुनियादी मुद्दों से भटकाने की काफी कोशिश की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए चुनाव को जाति धर्म में बांटने का भरसक प्रयास किया। यहां तक कि वो पाकिस्तान की शरण में भी चले गए। और तो और, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ने ओवैसी जैसे अपने तोते को बंटवारे की स्क्रिप्ट देकर सीमांचल में भी उतारा, मगर जनता ने जदयू और भाजपा के तोते उड़ा दिए। नीतीश बाबू ने तो हमारे आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि बुजुर्ग हैं। नीतीश बाबू ने तो तीसरे चरण के चुनाव की वोट पड़ने से पहले ही इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता जदयू भाजपा की हार स्वीकार कर ली है। पर जान लें कि जदयू भाजपा का टायर्ड और रिटायर्ड नेतृत्व, जिन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा भी कर डाली है, वो बिहार को कभी हरा नहीं पाएंगे। बिहार कभी हारा नहीं, बिहार सदैव जीता है।